हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बच्चों के बहुत ही मनपसंद ब्राउनी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और ये बहुत ही फटाफट से बनने वाली ब्राउनी है। इसमें कोई ऑयल नहीं है, कोई मैदा नहीं है, और इसे बनाने में सिर्फ मुझे 12 से 15 मिनट लगा था। बहुत सॉफ्ट है, चॉकलेट लोडेड है, तो इसको बनाने के लिए वीडियो एंड तक देखें। और सबसे पहले हम चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए रखेंगे। इसके लिए मैंने एक 40 रुपीज़ वाली जो चॉकलेट आती है डेरी मिल्क की ना, वो ली थी, और उसमें 1/2 कप गरम दूध डाला है। चॉकलेट जब तक मेल्ट हो रही है तब तक एक पैकेट ओरियो लेंगे और इसको हम क्रश करके इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। फ्रेंड्स, पता है इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं, बिस्किट, दूध, चॉकलेट और बेकिंग पाउडर। और सिर्फ ये 30 रुपीज़ में ही ब्राउनी आपकी रेडी हो जाएगी। इसमें कोई भी ऑयल नहीं लगा है, और चॉकलेट भी आपके ऊपर है। आप चाहे तो चॉकलेट स्किप कर दें, केवल दूध और बेकिंग पाउडर डाल के इसको बेक कर लें। तो गर्म दूध की वजह से चॉकलेट मेल्ट हो गई है, और इसमें हम ओरियो का पाउडर डाल देते हैं। एक बिस्किट मैंने रोक लिया है ऊपर से गार्निश के लिए, और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कोई लम्स नहीं होने चाहिए। हमने इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, और अगर बेकिंग पाउडर ना हो तो आप 1/2 टीस्पून इनो यूज़ कर लें। फ्लेवर में कोई अंतर नहीं आएगा, स्वाद बिल्कुल वैसा ही होएगा। बहुत अच्छे से मिक्स करें, और बस अब हमें कुछ नहीं करना है। मफिन मोल्ड्स ले लें या कोई स्टील का बर्तन ले लें, बाउल, कटोरा, कुछ भी, उसको अच्छे से ग्रीस कर लें, और उसमें हम बैटर को डाल के रख देंगे पकने के लिए। मैंने इसमें थोड़ा चॉकलेट और यूज़ किया है, तो आप चाहें तो बीच में भी एक पीस डाल दें चॉकलेट का, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बच्चों को बहुत पसंद आती है चॉकलेट, और बीच में जब चॉकलेट आती है तो वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। ऊपर से थोड़ा थोड़ा बैटर और डाल दें। दूसरे साइड में मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पर, और आप चाहे तो इसे कुकर में बेक कर लें या कढ़ाई में बेक कर लें। ऊपर से थोड़े से ओरियो बिस्किट को डाल दें, और थोड़ी सी चॉकलेट और डाल दें। बस अब हमें इसे बेक होने के लिए रखना है 180 डिग्री पर 12 से 14 मिनट के लिए, और ये 12 से 14 मिनट के बाद बेक हो गया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूल गया है। इसमें कोई ऑयल नहीं है, कोई मैदा नहीं है, तो जब कुछ मीठा खाने का मन हो तो फटाफट से ये ब्राउनी बना लें। अगर वेनिला आइसक्रीम पसंद हो तो वेनिला आइसक्रीम के साथ ये और भी अच्छा लगता है। तो एक बार ये क्विक रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करिएगा। आपको कैसे वीडियोस देखने हैं ये भी मुझे बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।